We all start with our own definition of success. Some want to be a topper, some wants to be the selected. But at last, it doesn't matter what you leave or what you achieve. It's what you become. और अगर सब कुछ आपके हिसाब से गया तो अगले साल आप भी फ्यूचर डॉक्टर होंगे. और जहाँ की जहाँ तक मैं कैसा फील कर रहा हूँ कि अब मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कुछ नया पढ़ने को मिलेगा और कुछ नया करने को मिलेगा. पर सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा शांति है कि हाँ, अब अपन ने कुछ कर लिया है और अपनी लाइफ सेव कर ली है. टेंथ तक मैं अच्छा स्टूडेंट था, तो सब जैसे सब बोलते हैं कि ना साइंस ले लो, तो मैंने भी साइंस ले ली थी. मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो तीनों चारों थी. तो अब ट्वेल्थ के बाद अब मेरे पास दो चॉइस थी कि मैं या तो मैं इंजीनियरिंग कर लूँ या तो मैं नीट दे दूँ. और वैसे जैसे ज़्यादातर मेजर जो होता है, मैं ट्वेल्थ पास करने के बाद मैं जानता भी नहीं था कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है. तो फिर हमने जर्नी चालू करी, स्टार्ट करी. ट्वेल्थ तक सब सही गया था. हिसाब से तो जो पाथ है वो सिंपल है पर इजी नहीं है. इजी मींस सिंपल, मतलब प्री डिफाइंड स्टेप्स हो सकते हैं पर इजी नहीं होगा. सबकी जर्नी अलग अलग होगी. कि मैं सब्जेक्ट और दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, एक प्रैक्टिकल में एक लर्निंग में. और प्रैक्टिकल में जैसे हमारे पे मेरे पास था एक फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री. अभी टोटल मतलब अपने चैप्टर हैं 100 चैप्टर कुछ. तो अब मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक फिजिकल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट और एक लर्निंग पार्ट. और लर्निंग पार्ट में 60 चैप्टर्स थे जिसके अंदर बायो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थी. और जो फिजिकल पार्ट था उसमें फिजिक्स और वो थी. और फिजिकल पार्ट को मैं ऐसे तैयारी करता था कि ना, पहले एनसीईआरटी तो इम्पॉर्टेंट हो गई अब इस टाइम पे. एनसीईआरटी पढ़ता था एक बार, पर वो लास्ट में पढ़ी थी मैंने. मेन फोकस फिजिकल में ही करा था कि मैंने कि सिर्फ क्वेश्चंस तैयारी करी थी, सिर्फ क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करा था थ्योरी के एटलीस्ट. और लर्निंग में सिर्फ एनसीईआरटी और कुछ नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ी. कम से कम दो तीन चार पाँच, मतलब जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ी है लर्निंग के पार्ट. और हाँ, आराम से हो जाता है लर्निंग पार्ट में, आराम से आपका हो जाएगा. जैसे कि आजकल वो है ऑनलाइन का टाइम है, तो रिसोर्स की तो कोई कमी नहीं है और ना डिस्ट्रैक्शन की है. तो इसलिए मेरे हिसाब से तो आजकल कोचिंग चूज़ करने से पहले अपन को ये सोचना चाहिए कि मतलब कंटेंट का तो कोई वो बचा ही नहीं है. ये कंटेंट तो आजकल सभी सेम ही पढ़ाते हैं. जैसे अपन एग्जांपल देता हूँ मैं कि जैसे बायो के अंदर 1986 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 1986 में. अब वो भले कोई कोटा में पढ़ाए, भले कोई अजमेर में पढ़ाए, सब सेम ही पढ़ाएंगे वो. तो इसी वजह से मेरे हिसाब से मेन प्रायोरिटी कोचिंग चूज़ करने की तो ये होनी चाहिए आजकल कि ना, गाइडेंस और करियर. कोई एक बताता हूँ स्टोरी. जैसे एक बार मेरे टीचर ने पूछा था कि एक टीचर और गुरु में क्या डिफरेंस होता है. टीचर ने बताया था कि ना, गुरु वो होता है जो एक इंसान को उसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट बनाता है, और जो दूसरा होता है वो दुनिया के अकॉर्डिंग उसको सबसे बेस्ट बनाने की कोशिश करता है. तो इसी वजह से मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे अपने सेल्सियस है, और सेल्सियस में दोनों चीज़ें अच्छी मिलेगी. गाइडेंस भी आपको अच्छी मिलेगी, स्ट्रेटेजी भी आपको अच्छी मिलेगी. यहाँ पे टीचर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है. और जो ईबी के सर हैं वो तो कंफर्म ये मेक श्योर ही करते हैं कि आप अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो एटलीस्ट आप एक बेटर इंसान बन के निकलें यहाँ से. मेरे हिसाब से कोई नीट की फिक्स जर्नी नहीं होती है. यूनिक, सबका यूनिक पाथ होता है एक कि ना. जैसे मेरे हिसाब से मैंने फर्स्ट ईयर मतलब ट्वेल्थ के बाद मैंने जेई चूज़ कर लिया था, क्योंकि मेरे पास मैथ्स बायो दोनों थी. तो पर फिर मेरे को जमा सही अच्छा नहीं लगा वहाँ पे, तो इसलिए मैंने इस साल मैंने नीट चूज़ करा. और शायद मेरा हो जाएगा इस बार आराम से. यही बात है कि कोई भी, जैसे आप चाहते हो कि मैं फिक्स पाथ बता दूँ, कोई फिक्स पाथ ऐसा होता ही नहीं है कभी भी. और ना कोई बनाया ऐसा, सबका अलग जर्नी बनेगी, सबकी स्ट्रगल अच्छी होगी. कोई पढ़ने में अच्छा है तो उसके अलग लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी. कोई लाइफ जिसकी किसी लाइफ में प्रॉब्लम है तो किसी पढ़ने में कोई अच्छा होगा. किसी पढ़ाई में प्रॉब्लम होगी, किसी को मैथ्स समझ में नहीं आई, किसी को फिजिक्स समझ में नहीं आई, किसी को केमिस्ट्री समझ में नहीं आई, किसी को बायो समझ में नहीं आएगी. सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होने वाली है यहाँ पर. पर हाँ, एट लास्ट यही है कि आपको सबको सारी प्रॉब्लम्स को कॉन्कर करना है और हो सक मे बी आर डॉक्टर बनना है. सबका सजेशन है यही कि टाइम, जो टाइम होता है वो चेंज हो जाता है. आपका अच्छा टाइम चल रहा है वो भी चेंज हो जाएगा, जो आपका बुरा चल रहा है वो भी चेंज हो जाएगा. तो बस मेन यही है कि मेरे टीचर ने एक बार बोला था, इफ़ यू कैंट फ्लाई देन वॉक, इफ़ यू कैंट वॉक देन क्रॉल, बस ओनली थिंग दैट मैटर इज कीप मूविंग फॉरवर्ड. और आपको नीट तक पूरा का पूरा कोशिश रखना है अपना
माइंड को कंपोज रखना है और आगे बढ़ते जाना है। एटलीस्ट आप पूरा ट्राई तो करो नीट तक, बीच में वो गिव अप नहीं कर दो।